हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और ये है अपने भाई मनोज। हेलो। और आज का जो ब्लॉग है मेरा वो विलेज लाइफ के ऊपर बनने वाला है कि मॉनसून सीज़न में विलेज लाइफ कैसी होती है, कितनी रिस्की होती है और क्या रिस्क होता है, क्या डेंजर होता है, वो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी हम जाने लगे हैं खेतों को, और क्या डेली रूटीन होती है अपने यहाँ पे वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी कि क्या रिस्क है उसमें। तो अभी आप देख रहे हो, अभी हम घर से निकल आए हैं और अभी सड़क का अप्रोक्स हमारा 400 से 500 मीटर का ट्रैक है, फिर उसके बाद हम आगे घुस जाएंगे खेतों की तरफ। और वहां का रास्ता कैसा है, कितना रिस्की है, वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी आज के ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं हम खेतों की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम सड़क से पहुंच चुके हैं नीचे खेतों के रास्ते में, और अभी काफ़ी लॉन्ग आना पड़ता है हमको, बिकॉज़ आपको पता है पीछे फ्लड आया था हमारे यहाँ पे, तो रास्ते वगैरह सारे बह चुके हैं। तो अभी ये एक नाला पड़ता है, बट अभी बारिश हो रही है तो इसमें भी पता नहीं होता है कब पानी बढ़ जाए एकदम से। बट नॉर्मल पानी हो तब तो क्रॉस कर जाते हैं, बट अगर काफ़ी ही ज़्यादा पानी हो तो फिर हमको 4 से 5 किलोमीटर दूर से होके जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी हमको लॉन्ग वे पड़ता है। तो अभी आपको ये वाला रास्ता दिखाता हूँ जिसको हम नॉर्मली जाते हैं हर दिन सुबह शाम। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी दरिया का, नदी का पानी आ जाता है जो हमारा रास्ता है, और यहाँ पे अभी काम चला हुआ है पाइप का जो टूट गई थी फ्लड में, और अभी जोड़ दी गई है फिलहाल पानी के लिए, बट अभी प्रॉपर तरीके से काम चला हुआ है इसका। और बाकी आप देख ही सकते हो इस साइड भी खेतों में उस दिन पानी आ चुका था, तो क्या रिस्क है आप समझ ही गए होंगे। बाकी मैं आपको बिल्कुल फेस टू फेस आगे दिखाता हूँ थोड़ा चल के कि क्यों रिस्क है इस रास्ते में आने के लिए, मानसून सीज़न में बारिश हो रही हो तब, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ से रास्ता हुआ करता था खेतों को आने के लिए वो बह चुका है, और अभी हमें कहाँ से जाना पड़ता है, और यहाँ पे पानी का दरिया में अभी बारिश लगी है, ऊपर भी पहाड़ों पे बारिश हो रही होती है और कोई पता नहीं होता है पानी कब भर जाए। और लास्ट टाइम जब फ्लड आया था तब भी मॉर्निंग के टाइम ही आया था, यही कोई 9:30 बजे के अराउंड, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो खेतों को जा चुके थे और वापस आ चुके थे, बिकॉज़ यहाँ पे मॉर्निंग में ही 7-8 बजे से भी खेतों को जाते हैं। अगर लेट हो गए होते तो पता नहीं क्या होता, अगर सुबह के टाइम में फ्लड आया होता, क्योंकि उस टाइम सारे ही खेतों में होते हैं, तो पता नहीं उस टाइम क्या ही होता। तो इस करके ये रास्ता आप देख ही सकते हो कितना रिस्की है। मनोज भाई, दातुन के लिए बने क्या टहनी तोड़ते हुए, और जो कि खेतों को जाते टाइम बिल्कुल सही है और दांतों के लिए एकदम मजबूत चीज़ है। आप देख सकते हो बारिश के बाद यहाँ पे पेड़ गिर गया था आफ्टर फ्लड, और इसने फिर ये बिजली की वायरें वगैरह तोड़ दी हैं। और यहाँ से सबसे ज़्यादा रिस्क जो है इस पॉइंट पे है, क्योंकि अभी आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, और ये रास्ता ही है और यहीं से सुबह शाम सभी लोग जाते हैं खेतों के लिए, अपनी गाय भैंसों को खाना डालने, उनका दूध निकालने और खेतों के सारे काम करने। और ये खेत ही थे जो अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम ही साथ में नदी है, दरिया है, और जैसे ही पानी आता है बढ़ता है तो वो एकदम यहाँ खेतों को आ जाता है, तो आप देख सकते हो।
और यहीं से हमको बिल्कुल इसी रास्ते में साथ साथ ही जाना पड़ता है, और कोई रास्ता है नहीं खेतों को जाने के लिए। तो ये रिस्क है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पानी कभी भी यहाँ बढ़ सकता है, और अगर पानी बढ़ा तो कुछ भी हो सकता है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पानी दरिया का धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले इसका कलर कुछ और था, अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और रास्ता भी आप देख ही सकते हो कैसा है, एकदम साथ साथ में पानी के। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो खेत, ये है मेरी भिंडियाँ। हमने ये भिंडियाँ लगाई थी, बट आप देख सकते हो बह चुके हैं खेत आधा। ये भिंडियों का यहाँ पे सब्जी वगैरह लगाई थी, तो अभी भिंडियाँ ही रह गई हैं। बाकी यहाँ घीये वगैरह भी लगाए थे, डानी वगैरह लगाए थे, काफ़ी कुछ लगाया हुआ था, बट अभी यही बचा हुआ है। तो अभी वापसी में मैं थोड़ी देर बाद जाते टाइम देखता हूँ, अगर भिंडियाँ लगी होंगी तो उनको भी तोड़ता हूँ। पहले आगे खेतों में जाते हैं, काम वगैरह कराते हैं। और ये वाला खेत भी यहाँ पे मेरे 5-6 खेत हुआ करते थे, बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बस ओनली आपको पानी ही दिखाई देगा। जहाँ भी आपको पानी दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहले खेत हुआ करते थे बिफोर फ्लड। फिर फ्लड के बाद तो क्या ही बताएं आपको, क्या ही यहाँ पे व्यू हो चुका है। जो मनोज भाई चले हुए हैं, यहाँ भी खेत हुआ करते थे हमारे, बट अभी आप देख सकते हो ना खेत है ना रास्ता है, बस पत्थर ही पत्थर, पानी ही पानी दिखाई देगा आपको, और कितना ही रिस्की रास्ता है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने खेतों में, अपने फार्म हाउस में, और बारिश भी काफ़ी तेज हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अभी देख सकते हो यहाँ पे रखा है बू, जो होता है कनक का निकला हुआ वेस्ट, और इसको स्टोर करके रखते हैं ऐसे ही मॉनसून सीज़न के लिए, ताकि जब बारिशें वगैरह हो तो जानवरों को खिलाने के लिए, उनको देने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि अभी बारिश में घास वगैरह काटना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। Thank you.
मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ के बारे में कि कैसी लाइफ होती है, तो अभी मैं आपको अपना फार्म हाउस भी दिखा देता हूँ जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक मेरे पीछे है। और हमने तो अभी गाय वगैरह कुछ रखा नहीं है ऐसा, बिकॉज़ पहले हमने भी रखी थी 2 गायें 1 बकरी, बट आप देख ही सकते हो मानसून सीज़न में कितना यहाँ पे टफ़ होता है। और पहले मैं भी जॉब वगैरह करता था तो उस करके भी फिर मेरे को भी इतना टाइम नहीं लगता था आने को, एंड मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं तो उस करके फिर नहीं, फिर हमने बेच ही दिए वो, क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है मानसून सीज़न में, तो मम्मी पापा नहीं आ पाते थे ना ही मैं आ पाता था, तो उस करके अभी हमने ऐसा कुछ रखा नहीं है। बट चाची जी ने अभी बैल और बकरियाँ रखी हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि मानसून सीज़न में विलेज लाइफ कैसी होती है, कितनी ही डेंजरस होती है, एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैं आपको बता दूं तो यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पंगा होता है मानसून के सीज़न में, पानी का तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पर खेतों में काफ़ी ज़्यादा सांप वगैरह भी होते हैं तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, और छोटे मोटे नहीं होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एंड फिर आपसे अब जल्द ही मिलूँगा मैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।